हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नए तरीके से चटपटा और जायकेदार बैंगन का भरता जो खाने में मज़ेदार है। तो चलिए बनाते हैं बैंगन का भरता। मैंने यहाँ 700 ग्राम बैंगन लिया। इसमें हमें चाकू की हेल्प से कई जगह कट कर लेना है। ऐसा करने से बैंगन अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। अब बैंगन पर तेल लगा लेंगे ताकि भुनने के बाद छिलका आसानी से निकल जाए। अब बैंगन को डायरेक्ट फ्लेम पर अच्छी तरह भून लेते हैं। और इसी तरह हम टमाटर और हरी मिर्ची को भी भून लेते हैं। बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च अच्छे से भून गए हैं। मैंने यहाँ 2 टमाटर और 6 हरी मिर्च भून लिया है और 1 कटोरी मटर जिसे चुटकी भर नमक डालकर उबाल लिया है। मैंने बैंगन का छिलका उतारकर उसे चेक कर लिया। अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। बैंगन में 1 बड़ा चम्मच दही और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करके उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 10 से 12 करी पत्ता और 1 कटा प्याज डालकर मिला लेंगे और प्याज के हल्का ब्राउन होने तक पकने देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कटा हुआ टमाटर डालकर मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। टमाटर पक जाने पर थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच नमक डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हरी मटर डालकर 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें भरी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं और धीमी आंच में 10 मिनट तक पकने देते हैं। इसे बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे ताकि भरी कढ़ाई में चिपके नहीं। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। अब भरता अच्छे से पक गया है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सर्व करते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।